आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस अलाउ होंगे सर, क्या मतलब? हाँ जी, जब आप अपनी ITR भर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ITR 3 की। जब कभी आप अपनी ITR 3 फाइल करेंगे तो उसमें ये मतलब नहीं है कि जो आपने टैली बिजी में जो भी खर्चे डाले सारे के सारे अलाउ हो जाएंगे। कुछ खर्चे ऐसे हैं जो आपके इनकम टैक्स के रिटर्न में अलाउ नहीं होते, तो अगर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो खर्चे डले हुए हैं तो इसमें आपको सावधानी बरतनी है। सर, ऐसे कौन से खर्चे, मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा जो खर्चे इनकम टैक्स में अलाउ नहीं होते। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना कि क्या वो खर्चे अलाउ होंगे या नहीं। चलिए बात करते हैं, पहले हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट। किस चीज़ का इंटरेस्ट? इंटरेस्ट जो आपने GST लेट पे किया, GST आपने लेट पे किया तो आपने GST डिपार्टमेंट को कुछ इंटरेस्ट दिया, क्या ये अलाउ होगा? हाँ सर, ये अलाउ होगा, क्योंकि इनकम टैक्स में जो खर्चे बिजनेस के लिए किए जाते हैं, सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स कहता है जो खर्चे बिजनेस के लिए किए जाते हैं हम वो आपको अलाउ करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लेट फीस की, अब यहाँ पर बड़ी शंका है कि क्या लेट फीस, GST में लेट फीस आपने भी दी होगी 100, 200, 500, 1000, और उसे आपने P&L में भी डाला होगा, क्या ये एक्सपेंस अलाउ होगा या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्योंकि इसके ऊपर डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि भाई ये जो लेट फीस है इसे हम कई लोग पेनल्टी नेचर का भी देख सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई हम पर पैसे नहीं थे टैक्स जमा करने के लिए, इसने हमने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, तो यहाँ पर लेट फीस को लेकर कंफ्यूजन है। तो लेट फीस को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सर आप क्या करते भाई? देखो, अगर लेट फीस हमारे P&L में डली हुई है मैं तो एक बार एक्सपेंसेस क्लेम जरूर कर लेता। अगर इनकम टैक्स वाले मुझसे पूछते कि भाई ये पेनल्टी नेचर है तो मैं कह देता नहीं भैया ये पेनल्टी नेचर नहीं है, क्योंकि आपको GST में ये बातें पता है कि जब तक आप टैक्स पे नहीं करते तब तक आप क्या नहीं कर सकते, रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो आपको लेट फीस लग सकती है। हो सकता है कि भैया दिवाली का सीजन था और मेरे को 10 लाख टैक्स जमा करना था तो मैंने 10 लाख रुपए टैक्स जमा नहीं किया, मैंने सोचा कि इस 10 लाख रुपए को बिजनेस में लगा लूं, और बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाने के बाद मैंने उस बिजनेस में 15 लाख रुपए कमा लिए, तो लेट फीस कितनी लगी? 10-20 हजार रुपए। इंटरेस्ट कितना लगा? 5-10 हजार रुपए। लेकिन मेरे को 5 लाख का तो प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट ये कहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है आप इंटरेस्ट को भी क्लेम कर सकते हो, तो इसी बेसिस पर हम लेट फीस को भी क्लेम कर लेंगे। लेकिन अगर बात करें पेनल्टी की, तो भाई पेनल्टी क्लेम नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगी है तो वो आप P&L में डेबिट नहीं कर सकते, और अगर आपने P&L में उसे डेबिट करा है तो इनकम टैक्स की कैलकुलेशन करते हुए आपको उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐसे ही हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, आजकल क्या ट्रेंड देखने में चल रहा है, आजकल लोग अपने घर से अपना ऑफिस चला रहे हैं। हाँ जी, घर से ऑफिस चला रहे हैं और उस घर का रेंट भी देते हैं। अब भाई अगर आप घर से ऑफिस चला रहे हैं, घर से कंपनी चला रहे हैं और आप उसका रेंट डाल रहे हैं, और आपने P&L अकाउंट बनाया और रेंट डेबिट कर दिया, ये तो गलत बात हो गई ना भाई। उस घर में आप रह भी रहे हो और उस घर से आप अपना बिजनेस भी चला रहे हो, तो आप अपना GST का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करें, GST के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को चेक करें, और अगर आप अपने घर से ही बिजनेस चला रहे हैं और वो रेंट पर है तो इस बात को ध्यान रखना कि आपको क्या करना है, उसमें से कुछ पोर्शन या तो 50-50% कर लो या 70-30% कर लो, आपको उसमें से कुछ पोर्शन डिसअलाउ करना है। डिसअलाउ क्यों? क्योंकि आपने जितना रेंट दिया, लेट सपोज 10 हजार रुपये दिया या 1 लाख रुपए दिया पूरे साल में, उसमें से आप घर में भी तो रहे, तो वो पर्सनल नेचर का है। तो सेक्शन 37 ये कहता है इनकम टैक्स का कि भाई पर्सनल नेचर के एक्सपेंसेस को आप P&L में नहीं डाल सकते, वो आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। ऐसे ना बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि इनकम टैक्स में डिसअलाउ होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने कल संडे को, हाँ जी संडे को, जो हमारा ये संडे है 27 तारीख को, हमने क्या करा है, एक वेबिनार रखा है जिसमें जो हमारे मित्र
मित्र प्रवीण बंसल जी है वो आएंगे, शाम को 3 से 6 का ये शो होगा। तो अगर आपने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इसमें रजिस्ट्रेशन करा ले। आपको एक बात पता होगी कि भाई डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में अलग होता है और कंपनी एक्ट में अलग होता है। तो कई लोग जो प्राइवेट लिमिटेड की अकाउंटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, जो इनकम टैक्स वाला रेट है वही डेप्रिसिएशन का रेट अपनी बैलेंस शीट में डाल देते हैं कंपनी की, वो बिल्कुल गलत है। भाई कंपनी के डेप्रिसिएशन रेट अलग होते हैं, इनकम टैक्स के अलग होते हैं, और उनमें जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पर डेफर्ड टैक्स असेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, दोनों डेप्रिसिएशन अलग अलग होते हैं, वो हम आपको कल बताएंगे। अब जैसे हमने रेंट की बात करी तो कई लोग ये कहते हैं कि कपिल जैन का बिजनेस है और कपिल जैन के नाम पे खुद घर है तो कपिल जैन उस घर का रेंट डाल देता है। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर आप प्रोप्राइटर हो, आपके नाम पे बिजनेस है, आपके नाम पे घर है, तो आप उसका रेंट अपने P&L अकाउंट में नहीं डाल सकते। हाँ, अगर आपने रेंट अपनी मदर को दिया, अपने फादर को दिया, तो आप उसे डाल सकते हैं। तो यहां पर यह बात आपको समझनी है। इसके अलावा मैं आपको और चीजें बताता हूं। जैसे कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया, किसका मेडिकल इंश्योरेंस कराया, अपने स्टाफ का। अगर आप अपने स्टाफ का मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, वो वाला खर्चा भी आप अपने बिजनेस P&L में डालकर उसे क्लेम कर सकते हैं, वो भी अलाउ होगा। एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपने टीवी खरीदा खुद के घर के लिए, अगर आप फ्रिज खरीदते हो अपने घर के लिए, तो वो आपका पर्सनल नेचर का एक्सपेंडिचर है, आप उसे P&L में क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन इसके विपरीत आपने अपने एम्प्लॉई के घर के लिए, अगर आपने एम्प्लॉई के घर के लिए टीवी या फ्रिज खरीदा, आप उसे P&L में डालकर उसका एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पर यह मत कर देना, खरीदो अपने नाम पर और इनकम टैक्स में दिखा दो एम्प्लॉई के नाम पर, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ऐसा हुआ, आप ऑफिस आ रहे हैं, ऑफिस आते आते आपका चलान कट गया, पुलिस वाले ने चलान काट दिया, अब ऐसे खर्चे को भी P&L में मत डाल देना, वो भी अलाउ नहीं होगा। तो इनकम टैक्स में क्या खर्चे अलाउ होंगे, क्या खर्चे अलाउ नहीं होंगे, ये कल हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो हमने क्या करा, बैलेंस शीट बनाने के लिए ना 40 पॉइंट रखे हैं। अगर आपने हमारी मैगजीन ली होगी, हमने मई एडिशन के अंदर बैलेंस शीट बनाने के लिए 40 पॉइंट रखे हुए हैं। अगर वो 40 पॉइंट आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी बैलेंस शीट गड़बड़ नहीं होगी। तो अगर आपको एक 40 पॉइंट की लिस्ट चाहिए तो आप हमारी ये मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैसे कैसे 40 पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ कि भैया कन्फर्मेशन ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स हमें जरूर लेना है, जिससे हम चेक कर लें हमारी कोई सेल, हमारी कोई परचेज, हमारा कोई डेबिट नोट, हमारा कोई क्रेडिट नोट मिस ना हो। क्या आपने GST के अंदर 180 डेज वाली कंडीशन को चेक कर लिया या नहीं। इस तरीके से कर करके हमने 40 पॉइंट बनाए हैं जिससे आप अपनी बैलेंस शीट सही से ड्राफ्ट कर सके। ये हम कल के सेशन में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको कल का सेशन अटेंड करना है तो आप जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन को करा लेना। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, सर हम तो ये वाली वीडियो बहुत लेट सुन रहे हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं, ये हमारा KJ क्लासेस का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। हमारे सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर, छोटे से लेकर छोटा, बड़े से लेकर बड़ा, जो भी कोर्स आपको चाहिए आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, कौन कौन से एक्सपेंसेस डिसअलाउ होंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और अगर आपको हमारी पेन ड्राइव चाहिए फुल कोर्स का मतलब होता है एक्सपर्ट नॉलेज अगर आपको चाहिए, तो GST की 150 घंटे की पेन ड्राइव है, जिसमें अगले 6 महीने तक, अगले 12 महीने तक हम आपको सारे वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग जो भी GST के होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही हमने इनकम टैक्स की पेन ड्राइव भी लॉन्च कर दी है। इनकम टैक्स की पेन ड्राइव में हमारा होता क्या है, इनकम टैक्स का कोर्स होता है, ROC का कोर्स होता है, और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का कोर्स होता है। अगर आपको फुल कोर्स चाहिए जिसमें आप सारी चीजें सीख सके, तो आप वो कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज परचेज करनी है तो हमारा यहां पर एक हेल्पलाइन नंबर है, आप इस नंबर पर बात करके कुछ भी चीज ले सकते हैं। कल का वेबिनार भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैगजीन भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी पेन ड्राइव भी ले सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।